हमारी बॉडी का बैलेंस हमारी जो फाइन मोटर और ग्रोस मोटर कोऑर्डिनेशन है कि कितना सीमलेस है कितना स्मूथनेस है उन मूवमेंट्स में कितना एक्ट है वो किसका फंक्शन है सेरेबिलम का अगर सेरेबिलम में इश्यूज है तो मोटर कोऑर्डिनेशन में इश्यूज आएंगे ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर में इश्यूज आएंगे और साथ ही साथ स्पीच प्रोडक्शन कॉग्नेटिव स्किल्स एंड कम्युनिकेशन के इश्यूज आएंगे वो ऑलरेडी हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं स्पीच में आएगा वो वो विल हैव लाइक like दिस तो कुछ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल देर आर एन नंबर ऑफ स्पीच इश्यूज तो अगर ये सब आपको लग रहा है कि ग्रोस मोटर, है, मोटर, है, आ, ग्रोस मोटर 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 में है, में में इशू है फाइन इश्यूज इश्यूज प्लानिंग प्लानिंग बैलेंस में इश्यूज है तो हमें सेरेबिलम पे वर्कआउट करना है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेरेबिलम वर्कआउट कि क्या क्या एक्सरसाइज हो सकती है सेरेबिलम के लिए हाई मेरा नाम ऋचा जैन है वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सेरेबिलम के बारे में हमने जान लिया अब मेन चीज है कि हम टेस्ट कैसे करें कि सेम में इश्यूज हैं वो टेस्टिंग मेथड्स वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तो आप मेरे चैनल पर सेरेबिलम प्लेलिस्ट में जाकर सेरेबिलम फोल्डर देखिए वहां पर स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोज हैं तो सेरेबिलम वर्कआउट क्या होता है हम सेरेबिलम पे कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं मेनली अगर मैं बात करूं सेरेबुलम दो चीजों पे डिपेंड करता है वन इज बैलेंस द सेकेंड थिंग इज रोटेशन एंड स्पिनिंग कि हमारी बॉडी का बैलेंस कैसा है हम रोटेशन स्पिन uh, कर रहे हैं मूवमेंट है हमारी बॉडी की यानी कि वेस्टिबुलर सिस्टम जब भी एक्टिवेट हो रहा है तो हम अपनी बॉडी को इन द स्पेस कैसे मैनेज कर रहे हैं तो मेनली डिपेंड ऑन बैलेंस एंड वेस्टिबुलर सिस्टम प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम एंड विजुअल सिस्टम तो इन चीजों पे डिपेंड करता है हमारे सेरेबिलम की फंक्शनिंग तो ये जो अभी हमने बात किया रोटेशन एंड स्पिनिंग एंड बैलेंस तो वो किस पे डिपेंड करता है प्रॉपर मूवमेंट ऑफ स्पाइन अगर स्पाइन एरिया प्रॉपर मूव कर रहा है तो हमारी जो सेंसरी डाटा है वो सेरेबिलम तक प्रॉपर जाएगा और सेरेबिलम इज वर्किंग इफेक्टिवली तो सबसे पहली चीज जो हमें माइंड में रखनी है बिकॉज़ जो हमारा कोर कोर है, core है, एरिया मेजर रोल प्लेयर इन सेंसरी प्रोसेसिंग तो अगर कोर स्ट्रॉन्ग है स्पाइन मूवमेंट अच्छी है तो सेरेबिलम अच्छे से वर्क करेगा बिकॉज सेंसरी डाटा अच्छे से प्रोसेस होगा अब कोर पे कैसे काम करना है उस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड सीरीज कर चुकी हूं आप चैनल पर प्ले में जाकर कोर स्ट्रेंथ फोल्डर देखिए वहां पर सभी वीडियोज हैं एक्टिविटी वीडियोज हैं एंड डिटेल्स वीडियोज हैं तो सबसे पहली चीज जब हम सेराबिलम पे काम करेंगे तो हमें कोर स्ट्रेंथ पर काम करना है द सेकेंड थिंग इज बैलेंस कि बैलेंस अच्छा होना चाहिए और बैलेंस पे हमें काम करना है जो कोर स्ट्रेंथ वाला सीरीज है उसमें हमने स्टैटिक बैलेंस पे काम किया था कि बच्चे की कोर पे हम लोग काम कर रहे थे बट अगर की बात करूं मैंने आपको अभी बताया विजुअल प्रोप्रियोसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर तीनों सेंसेस को कंबाइंड करना है वेस्टिबुलर सिस्टम कहाँ होता है हमारे इनर ईयर में तो जब भी नेक की मूवमेंट होगी तो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा तो स्टैटिक बैलेंस में हमने काम किया अब हम लोग जो है मूवमेंट बैलेंस की हम लोग वेस्टिबुलर सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए बैलेंस पे काम करेंगे ताकि की एफिशिएंसी बढ़े ठीक है तो अब उसमें वेस्टिबुलर सिस्टम अगर स्टैटिक बैलेंस में है तो मेरा विजुअल जो है वो सामने देख रही हूँ ठीक है बट जब भी हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे हमें क्या ध्यान रखना है वेस्टिबुलर सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए अप डाउन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वर्टिकुलर मूवमेंट एंड डायगनल मूवमेंट्स इस तरह की मूवमेंट्स यानी कि विजुअल बच्चे को कुछ ऐसा देना है टारगेट कुछ ऐसे बच्चे को देने हैं कि बच्चा सभी डायरेक्शन में देखते हुए मूव करे और बैलेंस करे तो हम लोग प्रॉपर वेस्टिबुलर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया कि हमें जो स्पाइन पे काम करना है थ्रू कोर स्ट्रेंथ एंड बैलेंस पे हमें काम करना है जो प्रीवियस कोर स्ट्रेंथ फोल्डर था उसमें हमने बैलेंस स्टैटिक बैलेंस पे बात की थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आ, uh, मैं आपको जो है इसका लिंक टेस्टिंग मेथड्स की कैसे सेरेबिलम को टेस्ट करना है उस वीडियो का और ये बैलेंस वाली एक्सरसाइजेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी नाउ वी हैव टू वर्क मोर कि हमें सेरेबिलम पे और ज्यादा काम करना है अब उसमें प्रीवियस वीडियो में जो टेस्टिंग मेथड था मैंने बात किया था जो साइड वीक है सेरेबिलम की उस पर हमें ज्यादा काम करना है That means, अगर लेफ्ट साइड वीक है, तो लेफ्ट फुट से हमें ट्वेंटी करने हैं और राइट right से टेन तो हम ब्रेन बैलेंस पे भी काम करेंगे जो सेरेबिलम का जो बैलेंस है उस पर भी काम करेंगे कि वीकर साइड को हम लोग मजबूत करेंगे अब बात करते हैं कि सेरेबिलम ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है ठीक है तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ऑटिज्म और एडीएचडी में अगर मैं बात करूं तो राइट साइड ब्रेन डेफिसिट रहता है तो राइट साइड ब्रेन सेरेबिलम से कैसे कनेक्टेड है लेफ्ट सेरेबिलम से कनेक्टेड है तो राइट right ब्रेन आप नोटिस कीजिएगा जब भी बच्चे का राइट ब्रेन वीक होगा तो लेफ्ट सेरेबिलम में इश्यूज होंगे और जब लेफ्ट ब्रेन डेफिसिट होगा मेनली डिसक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटीज में है वो लेफ्ट ब्रेन डेफिसिट रहता है तो उनका राइट right सेरेबिलम से कनेक्टेड रहता है कि मेरे बच्चे का राइट ब्रेन डेफिसिट है आप टेस्ट करेंगे तो उनका लेफ्ट सेरेबिलम वीक आएगा तो हमें लेफ्ट साइड लेफ्ट बॉडी साइड पे ज्यादा काम करना है आई होप दिस इज क्लियर क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहेगी तो हम लोग हेमिसफेर uh, एंट्री uh, जो बैलेंस है उस पर सही से काम नहीं कर पाएंगे तो लेफ्ट सेरेबिलम अगर लेफ्ट सेरेबिलम अगर वीक है तो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ज्यादा काम करना है राइट सेरेबिलम वीक है तो राइट बॉडी पार्ट पे काम करना है ब्रेन बैलेंस का जो मेन फंडा रहता है वो ये रहता है कि जो हमारी वीकर साइड है उसको स्ट्रांग बनाना है और जो स्ट्रांगर साइड है उसको कम नहीं करना है बट उन दोनों को एक लेवल में लेकर आना है तो रेपिटेशन हम हमेशा जो साइड वीक है उस साइड ज्यादा कराते हैं सो so दैट वो मेच्योर हो पाए आई होप दिस इज क्लियर ठीक है तो दिस इज बेसिक फंडामेंटल ऑफ ब्रेन बैलेंस एंड ब्रेन एक्टिवेशन तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम सेरेबिलम वर्कआउट करते हैं सेरेबिलम की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं टू गेट प्रॉपर सेंसरी डाटा और uh, कैसे हम हमारी जो सेरेबिलम uh, को है वो इफेक्टिवली वर्किंग में लेकर आते हैं टेनम पोजिशन में बच्चे को खड़ा करना है हैंड टू नोज फिंगर टच करना है और विजुअली ट्रैकिंग भी कराना है इससे बैलेंस इम्प्रूव होगा एक्टिविटी नंबर टू वन लेग अप एंड जम्प हमने सेरेबिलम में टेस्ट किया अगर लेफ्ट साइड वीक है तो लेफ्ट पे ट्वेंटी जंप कराना है राइट right पे टेन जंप कराना है एक्टिविटी नंबर थ्री आर योगा पोजेज तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है अगर लेफ़्ट सेरेबिलम वीक है तो लेफ्ट लेग पे बच्चे को खड़ा करना है अगर राइट सेरेबिलम वीक है तो राइट right लेग पे खड़ा करना है तो इसी तरह से नेक्स्ट योगा पोज आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं बच्चे को आगे की तरफ झुकना है और बैलेंस करना है तो इससे बैलेंस एंड कॉर्डिनेशन पर बहुत अच्छे से वर्कआउट होता है एक्टिविटी नंबर फोर वन लेग पे खड़ा होना है और नीचे से ऑब्जेक्ट को पिक करना है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए मैंने रिंग्स रख दिए हैं कि बच्चे को नीचे से रिंग उठाना है और दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना है इसमें सीमलेस मूवमेंट चाहिए लाइक अराध्या इज़ डूइंग कृष्णा अभी नहीं कर पा रहा है बट विद प्रैक्टिस उसका बैलेंस अच्छा होगा सेराबिलम फंक्शनिंग अच्छी होगी तो मोटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा आएगा अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो हम उसको वॉल का सपोर्ट करते हुए ये एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं एक्टिविटी नंबर फाइव बैलेंस को मेंटेन करते हुए अपनी लेग को ऊपर करके सॉक्स पहनना है और सॉक्स को उतारना है तो ये बहुत अच्छी फन एक्टिविटी रहती है इसमें सॉक्स की जगह आप रबर बैंड्स का यूज़ कर सकते हैं आप रिंग्स का यूज़ कर सकते हैं वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल एक्टिविटी नंबर सिक्स मैंने यहाँ पर सेंसरी पोर्ड्स को लिया है बच्चे को वॉल के अगेंस्ट उसको प्रेशर मेंटेन करते हुए वन लेग पे खड़े रहना है बहुत अच्छी मोटर प्लानिंग एक्टिविटी है कि सेंसरी पोर्ड को गिरने नहीं देना है तो इससे बच्चे का बॉडी बैलेंस इंप्रूव होगा आ, मोटर प्लानिंग इंप्रूव होगी और साथ ही साथ हमने इसमें टेक्टाइल सेंसरी को भी ऐड कर दिया एक्टिविटी नंबर सेवन टेंडम वॉक अभी आप देखेंगे कि क्योंकि कृष्ण का पूरा कंसंट्रेशन एंड फोकस टेंडम लाइन पर है तो वो प्रॉपर बैलेंस के साथ वॉक कर रहा है और ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं अब आप देखेंगे मैंने डिफरेंट डायरेक्शंस में नंबर लिखे हुए हैं जब मैं कृष्ण को इंस्ट्रक्शन दूंगी कि उन नंबर्स की तरफ देखें और टेंडम वॉक करेंगे

इंटीग्रेशन ऑफ बोथ हेमस्फेयर की राइट जो सेरेबिलम है और लेफ्ट सेरेबिलम है उनका इंटीग्रेशन हो तो वो कैसे होगा वो ब्रेन स्टिम्यूलेशन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम लोग करते हैं देखिए ब्रेन बैलेंस क्या होता है मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि वीक साइड क्योंकि हर अगर डेवलपमेंटल डिलेज है या कोई भी इशूज हैं बच्चे को या एडल्ट को भी तो वॉट इज द मेन इशू जो सारे चीजों का क्रक्स है ब्रेन बैलेंस कि एक साइड ब्रेन की वीक है दूसरी साइड स्ट्रांग है अब जो स्ट्रांगर साइड है वो डोमिनेंट कर रही है उससे ब्रेन फंक्शनिंग को डोमिनेंट कर रही है जिसकी वजह से दूसरी साइड के जो फंक्शन है वो लैक करते हैं और इश्यूज आते हैं बच्चे की लर्निंग में डेवलपमेंट में अब हमें करना क्या होता है ब्रेन बैलेंस में कि वीक साइड को स्ट्रांग करना है और लेवल सेम करना है कि राइट एंड लेफ्ट दोनों सेम लेवल पे आए द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन कि उनका इंटीग्रेशन करना है सो so दैट वो दोनों जो पार्ट है ब्रेन के वो सिंक में प्रॉपरली फंक्शन करें ताकि एक स्मूथ फ्लो ऑफ कोऑर्डिनेशन आए और जिससे बच्चे की या अडल्ट की या किसी की भी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो पहला तरीका हमने देख लिया कि बैलेंस पे काम करना है कोर स्ट्रेंथ पे काम करना है हमने वीकर साइड को स्ट्रांग किया द नेक्स्ट थिंग इज दोनों हेमिसफेयर का इंटीग्रेशन दोनों हेमिसफेयर को स्टिमुलेट करके इंटीग्रेट करना है वो कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बिकॉज एक ही वीडियो में अगर हम लोग कवर करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि Uh, कैसे हमें ब्रेन बैलेंस क्योंकि ये सेरेबिलम के साथ साथ ब्रेन पे भी एप्लीकेबल है ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग पे बिकॉज़ इज लेटरली कनेक्टेड टू आवर ब्रेन जैसे हमारी बॉडी लेफ्ट बॉडी राइट ब्रेन से कनेक्टेड है सेम लेफ्ट सेरेबिलम राइट ब्रेन से कनेक्टेड है तो जब हम लोग सेरेबिलम पे काम कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट तो हमारा जो ओवरऑल ब्रेन है दैट इज ऑल्सो वर्क फंक्शनिंग प्रॉपरली तो वहां पर भी ब्रेन बैलेंस पे काम हो रहा है तो इफ यू फाउंड फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव आई रिक्वेस्ट यू ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट योर कमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट जिससे ये वीडियो और ज्यादा पेरेंट्स तक जाए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच